बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम योर मैथ्स टीचर मिस मदीहा नास, एंड टुडे आवर टॉपिक फ्रॉम समर पैक ऑफ पेज नंबर 86। लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी कि इन्हें कैसे सोल्व करना है हाफ, अब हमने आज नेक्स्ट हाफ करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स। आई डिवाइड अ नंबर बाई 7 एंड द रिजल्ट इज 7, वट नंबर डिड आई बिगन? आई डिवाइड अ नंबर, मैंने एक नंबर को 7 पे डिवाइड किया, उसका रिजल्ट भी 7 आया, तो वो कौन सा है? डिवाइड की बात की आपने, इधर मल्टीप्लाई करके देखना है, 7 7 ज़ा 49। फिर है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ गिव्स द आंसर 49, वट इज़ द नंबर? कौन सा ऐसा नंबर है जिसे अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, तो वो 7 7 7 ज़ा 49। वैन आई मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7 आई एंड अप विद 56, वट नंबर डिड आई बिगन विद? कौन सा ऐसा नंबर है जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो उसका आंसर 56 आ रहा है, तो 8 8 7 ज़ा 56। 7 टाइम्स अ नंबर इज 63, वट इज़ द नंबर इज़ 9। 7 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 63 7 9 ज़ा 63। वट डू आई हैव अ आई हैव टू मल्टीप्लाई 8 टू गेट द रिजल्ट 72, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 8 को कि मेरा आंसर 72 है? 72 को 8 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 9। फिर उसके बाद है 9 टाइम्स अ नंबर इज 81, कौन सा नंबर है जो 81 आएगा? 9 ही, 9 9 ज़ा 81। अब ये जो बाकी की 3 वर्ड प्रॉब्लम्स है ये आपने खुद सॉल्व करके खुद प्रैक्टिस करनी है आंसर की। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।